नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। उत्तर प्रदेश की सियासी एजेंडे पे आज हम बात करेंगे एक बार फिर से कोरोना और पंचायत चुनाव पे। उत्तर प्रदेश के शहरों में अपना प्रभाव दिखाने वाले कोरोना वायरस संक्रमण ने गांवों की ओर रुख कर लिया है, जिससे उत्तर प्रदेश के गांव बेहाल हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक हर गांव में लोग कोरोना संक्रमण के मिलते जुलते लक्षणों से पीड़ित हैं। संक्रमण की चपेट में पूरा परिवार आ रहा है। संक्रमण का स्तर काफी तेज है, लेकिन अब भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को सैनिटाइजेशन, जांच व अन्य चीजों की मदद नहीं मिल पा रही है। नेतागिरी जमकर हो रही है। बसपा की सुप्रीमो ने गांव में कोरोना वायरस से पैर पसारने की बजाय पंचायत चुनाव तो बता दिया, लेकिन इस ओर विपक्ष की तरह कोई कदम नहीं उठाए गए। तो वहीं पंचायत चुनाव के बाद भी गांव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदारों की गाड़ियां काफलों के साथ समर्थन जुटाने में गांव-गांव जा रही हैं। इनके लिए कोरोना का संक्रमण मायने नहीं रखता। प्रशासन तंत्र की निगाहें भी इस तरह की गतिविधियों पर है नहीं, यानी कि कुर्सी के लिए सब नतमस्तक हैं। इसके लिए लोगों के जीवन का कोई मोल नहीं है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक चौधरी राजेंद्र सिंह जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वो सरकार में अपना पक्ष रखेंगे। तो वहीं विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आगरा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री अवनिंद्र सिंह जी हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा। सर, आवाज आ रही है मेरी? सुन रहे हैं आप? आ रहे आ रहे आ रहे जी आ रहे सर, आ मेरा ये कहना है, सर आपके लिए ये सुकून भरा बात हो सकती है कि कोरोना ने यूपी के महानगरों में अपनी प्रभाव को कम कर दिया है, लेकिन सर उन्होंने गांव का रास्ता देख लिया है और गांव में ना तो जांच हो रही है, ना अस्पताल खुल रहे हैं, ना वैक्सीनेशन हो रहा है, कहीं कोई इंतजाम नहीं है। सर, अगर गांव में ये विस्फोटक हो गया तो फिर कैसे संभाल पाएंगे, जबकि शहरों में आपको संभालने के लिए पसीना आ गया था। नहीं, हमारा ये कहना सर जी कि हमारी सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री जी सरकार ने गांव गांव में समितियां बना दी थी, सेक्टरों काट दिया है। अब वो सेक्टर में जो पदाधिकारी जो बनाए गए हैं, वो कुछ शासन के उसमें हैं, कुछ पार्टी के लोग हैं, कुछ स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं। वो विभिन्न तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई गांव में सामाजिक दूरी का पालन करना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, मास्क लगाना है। इस तरीके से सरकार इसमें बहुत सचेत है और इस सचेत जागरूकता का ही प्रमाण है कि अभी जो है कोरोना के केस कल से घट रहे हैं। हेलो आवाज जी। आवाज मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि घट रहे हैं, हम इससे आपसे सरोकार रखते हैं, लेकिन सर जी घटने तो ठीक है, लेकिन गांव में पहुंच गया कोरोना सर, आपने ये ध्यान नहीं दे रहे हैं आप सर। नहीं, गांव में पहुंच गया, इसके लिए सरकार ने सेक्टर में बांट दिया उसको, जी गांव को सेक्टरों में बांट दिया है हाँ और उसके विभिन्न पदाधिकारी और स्वयं सेवक और प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के लोग उसमें लगाए गए हैं, जी। वो उसको रोकने में रोक रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर जिस तरह की स्थितियां हैं वहां पर गांव में, हमने देखा है, हमें जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसमें जी स्पष्ट जी ये कहा जा रहा है कि वहां पर अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं सर, डॉक्टर नहीं मिल रहे, कोई वार्ड बॉय वहां रहता है, कंपाउंडर रहता है, कोरोना किट पकड़ा देता है, चल देता है सर। तो ये सर स्थिति है सर, ऐसे कैसे निपट पाओगे इनसे सर आप? नहीं, डॉक्टर तो अस्पतालों में है, अब वो कहीं कहीं यहाँ हमारी संज्ञान में ऐसा नहीं है। अगर संज्ञान में आएगा डॉक्टर, जहाँ होंगे वहाँ डॉक्टर मिलती जाएंगे। अच्छा चलिए, अमरेंद्र यादव जी, आप आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मेरा निवेदन ये है आपसे कि सर उत्तर प्रदेश के गांवों में जिस तरह से संक्रमण रोकने के लिए आपके दल ने अब तक किस तरह के कोई प्रयास किया है क्या सर? क्योंकि आपकी पार्टी ने इन्हीं लोगों से, जो गांव के मतदाता हैं, इनसे वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी का जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं। सर कुछ महीने बाद आपको इन्हीं से वोट लेने जाना है विधानसभा चुनाव के लिए, तो सर कुछ ना कुछ आपकी नैतिक जिम्मेदारी है या कि नहीं? नहीं, बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं अनूप जी आप, जी कि विपक्षी दलों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। जी और मैं बहुत
विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमुख महासचिव जी और तमाम पार्टी के नेतागण लगभग सारे जहां जहां प्रभाव रखते हैं जी, उनकी तरफ से निर्देश मिल चुका है कि अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्तर पर करें जी। जहां लोग भूखे हैं जी, जहां दवाइयों की समस्या है या जहां जो प्रॉब्लम है, जिस स्तर से चाहे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से ये बिल्कुल निर्देशन मिल चुका है कि हमें अपने अपने तरीके से उनकी मदद करनी है जी, जी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं अनूप जी बताना चाहूंगा जी, जी। कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित पूर्व विधायक जी जो चर्चा कर रहे हैं जी, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ने सेक्टरों में बांट दिया है देहात को, यह तमाम तरीके जो बताने का काम कर रहे हैं जी, मुझे लगता है माननीय पूर्व विधायक जी पूरी तरह से ये झूठा प्रचार तंत्र अपनाकर जो भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना है कि किसी भी तरीके से काम कुछ नहीं करना है, जब धरातल पे केवल काम करते हुए, मैं सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए माननीय विधायक जी, मैं निवेदन इसलिए करना चाह रहा हूँ आपसे कि पूरे एक जनपद में नहीं, कई जनपदों में मेरी नॉलेज में है, मैं भी उत्तर प्रदेश की राजनीति करता हूँ, 35 साल मुझे भी राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करने का मौका मिला है, तो इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी ही नहीं, विपक्ष के नाते नहीं, बल्कि मानवीय आधार पे आपको आगे आना चाहिए और सरकार को खुले मन से जितनी बात कह रही है, जितने दावे कर रही है, उस तरीके से अगर जो धरातल पे काम कर दिया जाए तो निश्चित तौर से जो लोगों की चिताएं जलाने के नाम पे जो ठगई होती है आपकी सरकार में, मुझे लगता है कि आजादी के बाद ऐसा कोई वेशम समय नहीं आया होगा जब चिताओं के जलाने के लिए दलाली हो रही है आपकी सरकार में। छोड़िए आप दवाओं को, छोड़िए आप बेड को, छोड़िए ऑक्सीजन को, जो चिताएं जलाने के लिए एम्बुलेंस से लेके तमाम चिता जलाने के लिए लकड़ी की कालाबाजारी, शायद मैंने पहली बार दुनिया में कहीं उदाहरण देखा होगा जो आपकी इस अनूठी सरकार में देखने को मिल रहा है जी। जी जी, जवाब 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 ले लेते हैं अमरेंद्र यादव जी, जवाब ले लेते हैं चौधरी राजेंद्र सिंह जी, उनका ये कहना है कि आप केवल झूठी बातें कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है धरातल में, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई कमेटी बनी, ना कोई डॉक्टर है, ना कुछ। नहीं नहीं सर, हम ये कह रहे हैं जी कि विपक्ष का कोई काम ही नहीं है जी, विपक्ष ना कोई रचनात्मक काम कर रहा है, ना मानवीय आधार पर किसी से सहयोग कर रहा है, वो तो आलोचना करने में जुटा है बस। अगर साहब एक मिनट इनको बोलने फिर आपके पास आएंगे। मुझे अमरेंद्र यादव जी एक मिनट दीजिए, आप इनको पूरा होने दीजिए जी। जी, सपा का काम वही गुंडागिरी करना है और उनका काम मानवीय आधार पर कुछ सेवा करना नहीं है। जी की भाषा मत बोलिएगा आप, संसदीय भाषा का प्रयोग करिएगा, आप झंडे कुंडे करने लगते हैं। हम संसदीय भाषा का आपको बुरा लग रहा हो तो हम आपसे क्षमा मांगेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो यही है, वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सहज हैं अमरेंद्र यादव जी, बहुत सहज है राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने तत्काल अपनी बात को सुधार लिया जी। जी जी, चलिए मेरा सवाल दोनों से है साहब, क्या है ये सरकार है आपकी और आप विपक्ष में हैं, चुनाव हो गए, आप लोगों ने इन्हीं लोगों के पास से आपने वोट मांगे, वोट लिया, अब आपकी जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर, अगर दलगत राजनीति का के तहत होकर आरोप लगाने से बाज आ जाएं, कब नहीं लगाएं, और सीधे सीधे ये ध्यान रखें कि दोनों एक पर एक 11 होकर समर्थन जुटाएं, एक साथ जुड़ के लोगों को जोड़ें और सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो बेहतर होता सर, लेकिन दोनों राजनीति में विपक्ष के नाते से मैं आपको बताना चाहूंगा जी, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था जी, और पिछली बार जब महामारी फैली थी जी, उस समय जब लोग बेघर हुए थे, जहां पैदल हजारों किलोमीटर दूर लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए थे, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लोग सड़क पर मरे थे जी,
और उन 90 लोगों की किसी ने अगर जो ध्यान देने का काम किया, एक एक लाख रुपया समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर जो किसी ने देने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक एक लाख रुपया उनको इमदाद देने का काम किया। लेकिन मुझे दुख है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, हमने एक एक लाख रुपए दिया था सरकार को कम से कम 10-10 लाख की इमदाद देने का काम करते ताकि लोगों को राहत मिलती। ये समाजवादी पार्टी ने किया पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ लोग मारे मारे फिर रहे थे उस समय। चलिए जवाब लेते राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आपको जवाब देना है, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। यादव जी आपकी बात, एक मिनट यादव जी आपकी बात पूरी हो रही है, यादव जी एक मिनट मेरा एक मिनट एक मिनट राजेंद्र जी मेरी बात हो जाए। मैं एक और एक सवाल और उसमें प्लस कर रहा हूँ, मैं इनकी तरफ से आपकी बात करूँ। मेरा ये कहना है, आपने ये कहा कि विपक्ष केवल आलोचना का काम करता है, अगर आलोचना का काम कर रहा होता और कुछ नहीं किया होता तो सर जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायती राज की जो तीसरी पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कैसे उभर के आती? अगर कुछ जनता काम नहीं सुन रहे तो कम से कम भी सबसे बड़ी पार्टी जो निर्दलीय जीते वो हमारे हैं सब। चलिए आप जवाब दे दीजिए, आप इनका जवाब दे दीजिए। चलिए आप जवाब दे दीजिए राजेंद्र जी। जी हम ये कहते हैं जो पिछले बार जो लॉकडाउन लगा था, आपका कहना है कि उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते, योगी जी जैसे ना होते तो ये कंट्रोल ना होता कोरोना। उन्होंने बड़ी कुशलता से नेतृत्व के साथ कंट्रोल किया और जनहान उसको रोकी है उन्होंने, और विपक्ष ने सेवा आलोचना के दूसरा कोई काम ही नहीं किया। मैं तो बता रहा हूँ 90 लोगों को इमदाद दी समाजवादी पार्टी, 1-1 लाख रुपए नहीं, 90 लोगों को हमारे जिले में किसी को दी हो तो। चलिए आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, चौधरी राजेंद्र जी, राजेंद्र सिंह जी, जो लोग मरे थे हताहत हुए थे उन 90 लोगों के यहाँ समाजवादी पार्टी ने इमदाद देने का काम किया। और मुझे दुख है कि भारतीय जनता पार्टी ने छोटी बातें करने का काम किया और 90 को हमने एक दिया था आपको 10-10 लाख रुपए देना है। आप जब भी जनरल चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। और हमें चलिए कुछ महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, कुछ महीने बाद चुनाव आने वाले हैं राजेंद्र सिंह जी। चुनाव में नंबर एक की पार्टी बन के, चलिए चुनाव कोई पार्टी की नीतियों पर नहीं लड़ा जाता है, व्यक्तिगत चुनाव होते ही कैसे मनाया? अरे सर अगर सर ठीक है, अभी इसमें दावा भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है कि हम नंबर वन हैं? हो जाएगी जब बिलासपुर लोक के चुनाव होंगे, पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होंगे तो कौन ज्यादा जीतेगा ये पता चल जाएगा, कौन ज्यादा बनेगा। चलिए विधायक जी की प्लानिंग बना ली होगी आपने, विधायक जी से बात कर रहा हूँ। विधायक जी चलिए आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा देता हूँ। चौधरी राजेंद्र सिंह जी, आपके उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि गांव की जो डिस्पेंसरियां पूरी बंद हैं, सर्दी जुखाम बुखार से पीड़ित जो आदमी ग्रामीण उन डिस्पेंसरियों में जाता है तो कहीं वार्ड बॉय मिल जाता है, कभी अगर किस्मत अच्छी होती है तो कंपाउंडर मिल जाता है और उनसे कहते साहब हमारी जांच करो, अरे जांच आने ये ले जाओ किट ले जाओ और इसको खाओ चले जाओ, साहब वो किट लेके जाता है खाता है और फिर पूरे गांव में चक्कर लगाता है। तो आप ये नहीं माने कि इस तरह की जो ना तो आइसोलेशन की वहाँ पर कोई व्यवस्था की गई, ना लॉकडाउन जैसी स्थिति है, ना ऐसा जागरूकता का कोई काम किया जा रहा है कि लोगों को कहें कि आप बुखार और सर्दी जुकाम पे तो कम से कम घर में बैठिए, बैरियर काम मत करिए, आप क्यों संक्रमण कर रहे हो? तो ये मेरा सवाल हो जाएगी सर, मेरा ये कहना है कि जो ये तस्वीर है ये क्या आप नहीं माने कि संक्रमण बहुत भयावह हो जाएगा? अगर बढ़ जाएगा गाँव में, अगर बढ़ गया तो फिर कैसे संभाल पाओगे आप? फिर वही सवाल है कि वहां ना तो अस्पताल है। आपका माना है संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम आपको स्वीकार करते हैं। जी 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 जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय योगी जी की सरकार, उन्होंने उनको सेक्टर, अरे सर ये तो जो सत्ता में रहेगा सर माननीय विधायक जी, ये तो जो सत्ता में रहेगा उसका दायित्व तो है और सामाजिक जीवन में आप लोग आते ही इसलिए कि आपको ये काम करना चाहिए। ये मैं आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि आपका जो प्रशासन तंत्र है वो काम नहीं कर रहा है? ये सारी चीज सब नेता ही थोड़ी करेंगे, वहां तो योगी जी या मोदी जी थोड़ी करने आएंगे या विधायक चौधरी राजेंद्र सिंह थोड़ी करेंगे। आपके प्रशासन तंत्र को नकेल डालनी होगी, नकेल नहीं डाल रहे हैं आप लोग, केवल बातें और भाषणों से काम हो रहा है साहब।
ऐसे जनता मर रही है, ग्रामीण मर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे उस चीज और इससे इस तरह से बात साफ है, साफ है देने से आपके दायित्व की पूर्ति नहीं हो जाती सर। राजेंद्र जी जी मैं अभी सुन नहीं पाया सर थोड़ा। मेरा ये कहना है कि जो भाषण हो रहा है, जो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये तो दायित्व ही है सर। कुछ प्रशासन तंत्र को, जो प्रशासनिक तंत्र है आपका, इन पे भी नकेल डालने का काम करिए ना सर। जो अस्पताल में, जो गांव में सर माननीय योगी जी उन पर कार्रवाई, फिर आप योगी जी वही हो। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है सर, मेरा ये कहना सर, मेरा ये कहना है कि योगी जी या मोदी जी तो केवल व्यवस्था बनाएंगे, आदेश करेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन सर जिस गांव में डिस्पेंसरी का जो डॉक्टर पदस्थ है वो नहीं जा रहा है, वो कस्बे में शहर में जाके अपने क्लिनिक पे बैठ रहा है, अपनी डिस्पेंसरी अपना अस्पताल चला रहा है, तो सर उनके खिलाफ तो कार्रवाई कराइए। कोई काम करने वाले लोग, डॉक्टर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, संज्ञान में आई है, मतलब हम लोगों को कार्रवाई होगी, हम लोग संज्ञान में देंगे सर। पूरा अखबार भरे भरे पड़े हुए हैं सर, टेलीविजन दिखाई दे रहा है कि गांव के गांव में लोग परेशान हैं, कोई किट नहीं है, कुछ जांच के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है सर। खैर सर, मैं आपसे आऊंगा अमरेंद्र यादव जी सर, आपके पास आऊंगा। अरे सर वैक्सीनेशन कहाँ हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है? मैं ललितपुर के कई गांव के नाम गिना दूं आपको, कानपुर के पास के कई गांव के नाम गिना दूं आपको, आप जहाँ जिस जनपद में रहते हैं वहाँ के कई गांव के नाम गिना दूं आपको, आप अगर बनारस के कई गांव के नाम गिना दूं आपको, आप आजमगढ़ के कई गांव के नाम गिना दूं सर, मेरे पास पूरी लिस्ट है, उस पर नहीं जाना चाहता। खैर मैं अमरेंद्र यादव जी की पढ़ूँ सर, यमुना गंगा नदी में जिस तरह से शब बह रहे हैं, देख रहे हैं लोगों के शब बह रहे हैं, क्या इससे संक्रमण बढ़ सकता है ना सर? ये बहुत ही मतलब बहुत ही संवेदनशील मामला है सर। एक विपक्षी दल होने के नाते सर, आपने अब तक सरकार को इस मामले में क्यों नहीं चेताया सर? अनूप जी, ये लोकतंत्र के जो संघीय ढांचा है जी, उसमें सरकार की शक्तियां और विपक्ष की शक्तियां निहित कर दी गई है संवैधानिक जी के अनुसार जी, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करते हुए समय समय हम आपसे करते बात तो आप अखिलेश यादव जी के पास ले जाते हैं, विधायक जी से बात करते हो, नरेंद्र मोदी और योगी जी की बात कर रहे सर। अरे जनता की बात सुनिए सर, विधायक जी रुकिए, विधायक की बात कर रहा हूँ। जसराना फिरोजाबाद जनपद में एक जसराना विधानसभा पड़ती है विधायक जी, आपकी जानकारी नहीं हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका वीडियो जारी हुआ है, उनकी पत्नी का इलाज समुचित इलाज नहीं होने की उन्होंने फरियाद की है प्रशासन से। आखिर जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी पत्नी के इलाज के लिए गिड़गिड़ाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सब समान है, वो अगर कोई ऐसी बात हो गई होगी तो थोड़ा विलंब हो गया होगा, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? विधायक जी, आपकी सरकार इंतजाम नहीं कर पाई, आप विपक्ष के माथे पे कलंक मढ़ने का काम करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, काम कुछ नहीं करना है, लफाजी करनी है बड़े तो, अच्छे अच्छे। अरे भैया यादव जी, चलिए चलिए सत्ता पर, आप भी तो करिए कुछ सर, आप भी तो कुछ करिए यादव जी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ही काम कर रहे हैं यादव जी, विधायक जी जसराना के विधायक से बात कर लीजिएगा, आप पे नंबर नहीं हो तो मैं दे दूं। उन्होंने हमारे पास जसराना विधायक का नंबर है, वो मान लो हमारे पास कुछ उनके आगे होगा तो पहले उनको बैठ कर गया तो क्या फर्क पड़ता है भाई? ये बताइए, अगर किसी आम आदमी को बैठ मिल गया, गरीब आदमी को बैठ मिल गया, विधायक जी को नहीं मिला, क्या इसमें कोई इसके ऐसी बात बताने की क्या जरूरत? विधायक जी नहीं, सवाल ये है कि गरीब को मिला या अमीर को मिला, सवाल ये है कि सभी को मिलना चाहिए सर। राजेंद्र सिंह जी, सभी को मिलना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है, सरकारी जिम्मेदारी है, और विपक्ष को और विपक्ष की भी भूमिका। आपकी बात सही है, आपकी बात का सम्मान है, लेकिन यादव जी अपने अरे भाई जी समान आदमी को मिल गया होगा पहचान लीजिए, उसमें क्या गरीब आदमी को मिल गया कुछ नहीं, गाँव में चले जाओ आप, एक एक परिवार में तीन तीन लोगों की मौत हुई है स्कूल कोरोना काल में, उसका हम दोस्त बहुत ज्यादा आपके मत्थे नहीं मनाना चाहते, लेकिन पूरी व्यवस्था इस तरह से ध्वस्त कर दी है नौकरशाही ने, केवल टीम कभी 11 कभी टीम 9 लॉन्च करने का काम करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि पूरी ब्यूरोक्रेसी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन के अनुरूप काम नहीं किया, इसकी नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ना कि समाजवादी पार्टी की। चलिए राजेंद्र जी, राजेंद्र उन्होंने कह दिया जी, जी। सरकार तो ठीक है लेकिन आपका प्रशासन तंत्र बेकार काम है, सरकार कह रही लेकिन प्रशासन तंत्र कुछ कर ही नहीं रहा है,
आपके जो डीएम है, आपके जो एसडीएम है, या आपके जो अभी चिकित्सा अधिकारी हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लखनऊ में बैठे जो इस सेक्रेटरी हैं, एसीएस है, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कैसे काम होगा सर? नहीं नहीं सर, वही इसमें साल उनकी हमारा आपसे निवेदन ये है कि जहाँ भी संज्ञान में आता है मुख्यमंत्री जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। अगर ऐसे अधिकारी कुछ हैं, चलिए कुछ लोग हैं जो विपक्ष से हो सकता है उनके विपक्ष से साठगांठ हो, अच्छा तो वो काम ना कर रहे हैं, लेकिन पूरा आपकी साठगांठ है साहब यादव जी, आप समझ लीजिए, और आपके कारण साठगांठ के कारण वो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, और ये लेकिन इनको ऐसे आदमी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ऐसे आदमी ढूंढ नहीं पा रहे जो काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और हमारी साठगांठ है तो हमारे हाथ में कमान दे देनी चाहिए। लोकतंत्र में फिर दो दो हाथ हो जाए, देखिए कैसे अधिकारी लोकतंत्र में तो यादव जी जनता कमान देती है, हम आपस में हम लोग कैसे कमान एक दूसरे को, कुछ महीने रुक जाइए, कुछ महीने रुक जाइए, वो कमान मिलने वाली है, किसको मिलती, जनता देगी सब एक। अब हम पंचायत चुनाव को लेकर आपसे बात कर लें, चौधरी राजेंद्र सिंह साहब आपसे बात, सवाल ये है सर, पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्षों के इलेक्शन होने हैं सर, और इसी महीने अंत तक होने हैं, लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख का पद पाने के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पाने की जो दावेदार हैं, वो अपनी गाड़ियों में भर भर के भीड़ भर भर के गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हुजूम लगा रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ संक्रमण कोरोना भी बांट के आ रहे हैं सर, ऐसा कहीं क्यों नहीं रोक रहे हैं? आप सरकार में हैं सर, दूसरी बात ना तो आपको चिंता है और ना प्रशासन में बैठे लोगों को चिंता है, क्योंकि क्योंकि सर मेरा सवाल 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 राजेंद्र जी मेरे सवाल सवाल होने दीजिए, चुनाव का अध्यक्ष का चुनाव प्रशासनों को चुनाव को स्थगित कर दिया, टाल दिया, आगे बढ़ा दिया, अच्छा जब स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी तब चुनाव होंगे। चलिए यदि आप समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो तत्काल चुनाव करा लेती। अच्छा सर अभी आप ठीक है मतलब टाल दिया, ये रात दिन केवल समाजवादी पार्टी का सपना देखते हैं माननीय विधायक जी, नहीं भारतीय जनता पार्टी का सपना देखते हैं। सर चलिए मैं ये, लेकिन आज भी आपने टाल दिए, डेट टाल दिए होंगे, लेकिन भीड़ को नहीं टाला सर आपने, हम आपको कई ऐसे अगर आप कहेंगे दिखा दें हम आपको कि कई ऐसी भीड़ लोग हैं जो दावेदार हैं, गांव गांव तो अभी भी पहुंच रहे हैं, उनके लिए जब तक उनका चुनाव नहीं होता तब तक वो बिल्कुल घर में सामने ही बैठने वाले हैं, तो कम से कम सर आपको अपने प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे कहिए कि साहब डरने की जरूरत नहीं है, इन पे भी एक्शन लें। अब जब आप आम जनता को घर से बाहर निकलने पर उस पर फाइन लगा सकते हैं, उनको पीट सकते हैं, तो इन नेताओं को भी इन पर नकेल डालिए, ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए सर? जी 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 नहीं नहीं, अब आप जो कह रहे हैं हम संज्ञान में डाला है, कोविड के नियमों का पालन करते हुए अगर वो आप अभी तो स्थगित कर दिया, मैं समझता हूँ मुकदमा कायम आपके खिलाफ भी हो जाएगा। कई पत्रकार साथी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत परिचित, उन्होंने सच बात कही, दूसरे दिन मुकदमा कायम हो गया, जेल चले गए बेचारे, अभी तक नहीं छूटे हैं। ज्यादा सरकार को आईना दिखाने की कोशिश सर, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ सर, मैं व्यवस्था के खिलाफ मुकदमा कायम कर दें। अमनेन यादव जी, मैं व्यवस्था की बात कर आपकी सरकार थोड़ी की सबको जेल में डाल दे, हमारी सरकार तो भाई न्याय करती है जी। कई एग्जाम्पल है जो पत्रकार अभी भी जेल में बेचारे पिछले एक एक साल से, चलिए छूटे नहीं है। राजेंद्र जी मैं तो जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं इनसे भी कह रहा हूँ कि साहब आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अपने नेताओं से कहिए कि नहीं जाएं वहाँ पे, गांव में क्यों जा रहे हैं भाई, जब चुनाव टल गए हैं तो थोड़ा धीरज रखें, टेलीफोन है, मोबाइल है, उससे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी यादव जी बिल्कुल सहयोग करना चाहिए, हम लोग सहयोग करेंगे जी, नहीं सहयोग सब सहयोग करेंगे, और हमारे भी कुछ उनसे भी निवेदन है कि यादव जी वगैरह भी सब सहयोग करें, केवल बातों से काम न चलाएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। यादव जी एक सवाल आपसे, यादव जी एक सवाल और आपसे है कि जिस तरह से गांव में आपने दावा किया था कि शहरों में आपके दल के लोगों ने एक व्यवस्था की थी, ऑक्सीजन बेड दिलवाने की बात की थी, ऑक्सीजन दिलवाने की बात की थी, इंजेक्शन दिलवाने की बात की थी सर, ऐसा कोई तंत्र बना के रखा है जो गांव में भी जाकर सेवा करे? ऐसा है कि गांव में और शहरों में कोई नहीं, सबका मूल्य बराबर है जीवन का जी। लेकिन मैं बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कोरोना काल में
जो महापाप किया है चुनाव करा के, इससे स्थिति विकराल हुई है और शहरों में भी विकराल हुई है और देहात में धीरे धीरे कोरोना पांव पसारता जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चूंकि संघीय ढांचे में सरकार के हाथ में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, हम कितना भी करेंगे व्यक्तिगत रूप से हम कर सकते हैं, मानवीय आधार पर कर सकते हैं, लेकिन बहुतायत में तो सरकार ही कर सकती है ना। तो सरकार को पहले अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, हम लोग भी साथ साथ सहयोग करेंगे इस कोरोना जैसी महामारी में। ईश्वर ना करे किसी के घर में कोई हताहत हो, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये कोरोना का काल बहुत सकुशल निपट जाए और लोग कम से कम हताहत हों और ये कैसे ही निजात मिले, हमारी मन की इच्छा ये है ईमानदारी से। जी राजेंद्र सिंह जी। जी 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 सर जी, मैंने अवनेन्द्र यादव जी को आपने सुना होगा, आपसे जवाब चाहता हूँ। नहीं नहीं, हमने यादव जी को सुन लिया, उनकी बात का हम बहुत सम्मान करते हैं, आदर के साथ उनको आदर के साथ कहते हैं जी। की हमारी सरकार भी चाहती है कि देखिए घट रहा है, कंट्रोल हो गया है जी जी, दो दिन से नीचे आ रहा है कोरोना, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, होती योगी जी की गवर्नमेंट इतनी क्षमता ना होती तो नीचे नहीं आता, अभी और बढ़ता जी जी, अब देखिए दो चार दिन में और नीचे आ जाए जी जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि मुझे जल्दी से आप ये बता दीजिए कि आपने जो पहले चर्चा की शुरुआत में आपने बताया कि आपने गांव के लिए एक समितियां बना दी हैं, उन समितियों में किसको जिम्मेदारी दी गई? सेक्टर वाइज बनाने, सेक्टर वाइज। अच्छा, सेक्टर वाइज, तो किनको जिम्मेदारी दी है आपने सर? नहीं, उसमें जो है उसमें डॉक्टर लोग हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ती हैं, ये सब लोग उसमें हैं, सबकी जिम्मेदारी विपक्ष को भी शामिल कर लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? विपक्ष का भी स्वागत है, विपक्ष का भी स्वागत है, विपक्ष का भाई, कोई विपक्ष की बारी थोड़ी है, तो सब लोग आपस के लोग ही हैं यादव। अच्छा सर, वैक्सीनेशन स्वागत करते हैं, आप भी आइए, लेकिन आप आते कहाँ हैं? आप तो आलोचना करते हैं, संवेदनशील मुद्दा है, इस पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कह दीजिएगा एक सर्कुलर जारी करते हैं जिलाधिकारियों को, और वो जो भी कमेटियां आपकी बने हम लोग तैयार हैं और बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से जितना हो सकता है आपको सहयोग करने का काम करेंगे। हम ये सुझाव रखते हैं, आपकी बात सत्य है, हम तो चाहते हैं सब लोग मिलजुल के काम करें, महामारी का संकट है, सरकार में आप है माननीय विधायक जी। विधायक जी निश्चित तौर पे तैयार है आपको सहयोग करने के लिए। विधायक जी निश्चित तौर पे ये धन्यवाद साहब यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई की आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बस इन्होंने सरकारों से कम आप वार्ता में रहिए, हमारा आपसे निवेदन ये, बिल्कुल मीडिया में कम रहिए। चलिए, अरे साहब मीडिया भी तो एक माध्यम है आप तक बात पहुंचाने का, हमने आपको कहा तो आलोचना ज्यादा सर सकारात्मक आलोचना होना चाहिए सर, हमारा कर्तव्य, हम विपक्ष में है तो विपक्ष का काम क्या है, समालोचना भी होनी चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी आलोचना सिरोधार है, ऐसा कुछ नहीं यादव जी, ऐसा हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी राजेंद्र सिंह जी, निश्चित तौर पर ये जो महामारी है इसको सामूहिक प्रयास से ही उसको इस पर काबू पाया जा सकता है, सरकार निश्चित तौर पर काम कर रही है, तभी ना आज जो स्थिति है बहुत नीचे गिरी है और अच्छे परिणाम आ रहे हैं, और आने वाले समय पे भी अपन उम्मीद, हम सारे लोग उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी रहे और पहले जैसे विकास के कार्य हों, सुखहाल हों, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी, आप हो, मीडिया हो, विपक्ष हो, सबकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, आने वाला समय हम सबको मिलकर काम करना होगा दलगत राजनीति से उठकर। इस चर्चा में आज इतना ही, हम कल फिर से एक नए पैनल के साथ आपसे चर्चा करेंगे, रूबरू होंगे, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।